जिला मकवा से पोजिशन नर्मदे पर स्विमिंग की खोज के लिए हमारे साथ हमारे कुछ कस्टमर आए हैं। वह उन्होंने एक निश्चय किया कि भैया हम माँ नर्मदा जी के तट पर स्वयं जाएंगे और वहीं से एक आशा निकाल कर लाएंगे और उसको हम हमारे सामने करवा देंगे और फिर उनको हमारे मंदिर के लिए लेकर जाएंगे। देख सकते हो राम मकवा घाट से नाव से जाते हुए देख लीजिए, नाव माँ नर्मदा जी के तट से छूटकर जन नर्मदेश्वर स्विमिंग की खोज होती है। वहाँ पर जाते हुए हमारे कुछ अतिथि घर भी आए हैं, देख लीजिए हम तापी के समीप आते हुए देख सकते हो आप। ये जो आने वाला जो घाट आ रहा है, जैसे रोडों पर घाट होता है उसी प्रकार से नर्मदा जी के जल में भी उनके बहाव में भी घाट होते हैं। ये घाट हमको चढ़ना है, देख सकते हो आप नाव में इंजन लगा हुआ है, इसके माध्यम से हम इसके सहारे आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों। और जहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलता है वहाँ तक मैं आपको लेकर जाऊँगा, तो मेरे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और देखें कि वास्तविकता है क्या। ये कोई हमारे हाथों से नहीं है, बल्कि स्वयं जो हमारे यहाँ जो अतिथि आए हैं वो उनके हाथों से निकालेंगे और उनको तराशेंगे। आगे तक मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। देख लीजिए हम किस प्रकार से यह जो पानी का जहां तेज बहाव रहता है वहां पर आ गए हैं और बहुत तेज बहाव है, नाव बड़ी मुश्किल से जा रही है, देख सकते हो आप। तो हम हमारे गांव से लगभग दूर भी आ गए हैं, देख सकते हो हम उस किनारे को छोड़कर आए हैं, कितनी दूर आ गए हैं। यहाँ पर नर्मदा जी का जल बहुत तेज बहाव में बहता है, ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो, देख सकते हो बहुत तेज। वो तो जो सामने टापू दिख रहा है उसी टापू पे हमें जाना है, जहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग कई प्रकार के कई आकृति के पाए जाते हैं। मित्रों मेरा यह वीडियो लंबा है, लेकिन मेरे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगा कि नर्मदेश्वर शिवलिंग किस प्रकार से पाया जाता है और किस प्रकार से क्या हो उनकी कहानी है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देख लीजिए उस टापू पे जाने के लिए किस किस प्रकार से रास्ते मिलते हैं हमें, और पानी का बहाव देख सकते हो आप कितना तेज है यहाँ पर, देख सकते हो। और टापू पे लगभग हम जाने वाले हैं, काफ़ी पास में आ गए हैं, बहुत तेज बहाव है, लेकिन भैया यहाँ ये देख लीजिए। तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और अभी तक आप बने रहे हैं उसलिए भी आपको काफ़ी साधुवाद, और अंत तक बने रहें क्योंकि आज हम देखेंगे कि आज वाकई में नर्मदेश्वर शिवलिंग हमारे नहीं बल्कि जो कस्टमर यहाँ पर आते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से निकाले जाते हैं, देख सकते हो आप। टापू से काफ़ी समीप आ गए हैं हम, देख सकते हो आप।
दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग पाए जाते हैं, देख सकते हो। हमारे गांव से दूर है थोड़ा, लेकिन गांव से सटीक भी है। ये आ गए हम, जिस तलाश में हम आए हैं उस स्थान पर आ गए हम। साथ में हमारे जो अतिथिगण हैं वो भी हैं, देख सकते हो दोस्तों। देख लेना आप किस प्रकार से हम यहाँ पर ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग की खोज करते हैं। उतर सकते हैं ना, उतर सकते। कि किस प्रकार से आप नाव में से हमारे अतिथि उतर रहे हैं और उनके हाथों से वो एक पाषाण निकालेंगे नर्मदा जी के तट से। नाव से आए हैं भैया हम। दीदी आराम से उतरना, सर आप भी। अब वो नाव के इसको पकड़ते आना। बड़ी सावधानी से उतरना पड़ता है, क्योंकि ये जो बाहर से जो अतिथि आते हैं वो कभी कभार ही इनका इस तरीके का इस स्थान पे आना होता है। तो दोस्तों आपको जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी खत्म हो गई। हम उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की खोज होती है। तो हमारे जो अतिथि आए हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी हमारे आराध्य देव ऐसे मिल जाए जो कि बहुत ही सुंदर हो और बहुत ही दुर्लभ हो। इनकी निगाहें उन्हीं महादेव की खोज में लगी हुई हैं। अब देखते हैं कि कौन से स्थान पर और किस स्थिति में इनके आराध्य देव इनको प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र से पधारे हैं दोस्तों। अभी हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, हम हमारे कार्य पर लगे हैं। सभी अपनी अपनी आँखों से महादेव की खोज कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे पाषाण हैं और कहते हैं कि माँ नर्मदा जी का हर एक कंकर में भगवान शंकर विराजमान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष कोई कंकर होते हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और दुर्लभ होते हैं। तो हम उनकी ही खोज में हैं, देख सकते हो आप। तो मेरे इस वीडियो के और अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि और आगे की जो प्रक्रिया है हम करते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। देख सकते हो दोस्तों, महादेव की जिस खोज में आए थे वह खोज पूरी हो गई। नर्मदा जी के किनार पे रखा है ये जो पाषाण है, इनकी तराशी भी की जाएगी। लेकिन देख लीजिए कि तराशने से पहले ही कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम शेपिंग में है। देख सकते हो एक लिंग आकार का है। और दोस्तों ये ऐसा नहीं कि ये नर्मदा जी में ही मिला था, ये नर्मदा जी के किनार से हम उठाकर लाए हैं और यहाँ पर ला के रखा है। और आप जो इनकी जो प्रक्रिया होती है, हमने बोला है कि सर इनको आप स्नान करवा दीजिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र बोल लीजिए और फिर इनको हम नाव पे रख के हमारे जो गांव में इनकी तराशी का काम होता है वहां पर लेकर जाएंगे और इनको वहां तराशेंगे। सर थोड़ा जल लगा दीजिए और ओम नमः शिवाय का मंत्र बोल दीजिए। मित्रों ये बड़ी हमें खुशी की बात है कि आज हमारे जो अतिथि आए वो महाराष्ट्र से आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक हमारे फोन पर आए हैं और हमारे पर विश्वास करके आए हैं, देख सकते हो। उनके साथ हमारे ये जो दीदी हैं, मैं इनको ये जब से इस टापू पर उतरे हैं जब से एक ही मंत्र उच्चारण करते आ रहे हैं, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी मिली कि देखिए महादेव के कितने अनन्य भक्त हैं जो कि यहाँ पर आए हैं और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप नित्य करते रहे हैं। तो सर आप एक साथ थोड़े खड़े हो जाइए और हमें यहाँ का आपका अनुभव बताइए कि वाकई में अनुभव कैसा रहा आपका। यहाँ पे बहुत से शिव जी के आकार हैं, लेकिन कौन सा लेना हो ये मुझे को कंफ्यूज हो रहा है। भगवान जिसकी बुद्धि देता है वही हाथ में आ जाता है और वो हम लेके जा रहे हैं यहाँ से।
तो दीदी बहुत समाधान हो रहा है कि हम अपने हाथ से एक शिवलिंग निकाले हैं और उस पर बहुत सी मालाएं हैं और अब उसको तराश के हम उसकी मूर्ति स्थापना करेंगे। सर आप इतनी दूर आए हो तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी? कुछ परेशानी नहीं हुई, गिरधारी जी ने बहुत मदद की और उनके साथ में जो सहयोगी है उन्होंने भी काफी मेहनत ली और एकदम बढ़िया जगह पे लेके आए तो एकदम बढ़िया लगा और हमको जो जैसा चाहिए थे वैसी हमारी मूर्ति भी मिल गई, इसके लिए हम खुश हैं। सर आप कहाँ से हो? जालना महाराष्ट्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं इन दोनों महाशय का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे बड़ा इनका आभारी हूँ कि इन्होंने मेरे पे विश्वास किया। ये महादेव का मैं आप लोगों को क्या कहूँ, ये तो उनका ही आशीर्वाद है हम सभी पर कि आप इतनी इतनी दूर से आते हो और हम पर भरोसा करते हो और हम उसी भरोसे पर खड़े उतरते हैं और अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो हम हृदय से आपसे माफ़ी मांगेंगे। हर हर महादेव, हर घर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद मित्रों, मैं मेरे इस वीडियो को यही अंतिम रूप देता हूँ और साथ ही माँ नर्मदा जी के आपको दर्शन करवा देता हूँ, देख सकते हो आप। दोस्तों इस वीडियो में आपने अंत तक मेरे को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में एक बात और मैं कहूँगा कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको दिखाया, जो स्थान दिखाया है, जो महानुभाव बताए, ये सभी ओरिजिनल है। इनमें किसी प्रकार से हमारे द्वारा कोई सिखाया हुआ या कोई मिलावटी काम नहीं है। अगर आप भी आना चाहो तो आप इतनी दूर आ सकते हो, हम पे भरोसा करके आ सकते हो। हम तो यही कहेंगे कि दोस्तों अगर आप अपना घर छोड़ के रहते हो तो आप मन में एक ये आशा रख के आना कि हमारा एक घर हमारे गांव ग्राम बकाओं में भी है। इसी के साथ नर्मदे हर 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 महादेव। दोस्तों शिवलिंग की खोज पूरी करते हुए अब हमारे गांव की ओर प्रस्थान करेंगे और जो शिवलिंग हमने निकाला है उनकी तराशी का जो कार्य होगा उनका भी मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा। सर आराम से, देख लीजिए। हम बैठने से पहले हमने महादेव को हमारी नाव में बिठाए हैं, देख सकते हो। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ कि वाकई में एक लिंग आकार है और यह नेचुरल है। ये जो धारियाँ दिख रही है आपको ये भी नेचुरल है। लोगों के मन में यह भय रहता है कि किसी प्रकार का कोई कलर वलर तो नहीं होता है भैया, ये देख लीजिए नेचुरल है। अब इनकी जो तराशी का कार्य होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इनमें किस प्रकार से कलर उभर कर सामने आता है वो भी देख लेना आप। टापू से शिवलिंग की खोज करते हुए अब जरा बकावा की ओर प्रस्थान करते हुए देख सकते हो वही स्थान है जिस पर हम आते समय बड़ी मुश्किल से चले थे लेकिन जाने में बहुत तेजी से साथ जा रहे हैं, देख सकते हो। देख सकते हो दोस्तों माँ नर्मदा जी का जल कितना कलकल कहता बह रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत तेजी से नाव जाती हुई। अगर हम बकावा की ओर प्रस्थान करते हुए हमारा गांव की ओर जा रहे हैं, देख सकते हो गराम बकावा गांव का नज़ारा जो कि एकदम माँ नर्मदा जी के तट पर स्थित है, माँ नर्मदा जी के तट पर स्थित है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों हमारे गांव का। उस सुंदरता की वजह है माँ नर्मदा, जी हाँ माँ नर्मदा जी के तट पर है तो हमारा गांव और भी सुशोभित हो जाता है सुंदरता से, देख सकते हो। गराम बकावा के घाट पर पहुँच चुके हैं, देख सकते हो आप माँ नर्मदा जी का किनारा। तो रही से हम जो शिवलिंग की खोज करके लाए हैं उनको लेकर जाएंगे और मशीन से थोड़ा उनको तराशेंगे क्योंकि अभी थोड़ा खुरदरा टाइप है, आड़ा टेढ़ा चपटा है तो उनको शेप देना पड़ेगी। शिवलिंग ले
लेकर जाएगा। फिर भी मैं आपको एक साइड माला मारे चलो, एक साइड माला मारे ना, तो सोलिंग बन के रेडी हो गए हैं, देख सकते हो आप पूरे 13 इंच के सोलिंग है और इनकी जलाधारी भी है। देख लीजिए कि आज सुबह से हम जिस खोज में थे, जो हमारे अतिथि आए हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया और महादेव को माँ नर्मदा जी के किनार से स्वयं लेकर आए। और साथ ही साथ ये जो जलाधारी देख रहे हो, ये भी नर्मदा स्टोन की है। जी हाँ दोस्तों, यह इनका किस्मत है कि नर्मदा स्टोन में इनको इनके साइज की जलाधारी भी बनी हुई मिल गई, नहीं तो इनके लिए इनको ऑर्डर देना पड़ता। बहुत ही सुंदर शिवलिंग देख लीजिए। आपको मैंने जहाँ से नर्मदा जी से निकाला था उनका भी वीडियो दिखाया, और यह वीडियो जो है यह वही शिवलिंग है जिनको आज हमने दिन भर में तैयार करके रखा है। देख सकते हो हमारे अतिथि भी है साथ में। हर हर महादेव। बहुत अच्छे से हमारे साथ आज सुबह से थे, उनकी वजह से हम ये सब ले पाए हमारे मनपसंद शिव जी को, उनको मैं बहुत बहुत हमारे परिवार की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।